वेलकम टू एस जे इंसेप्शन। दिस इज द सेवेंथ वीडियो दैट आई एम शूटिंग एट द कर्नाटका एक्वेरियम। बहुत सारे एक्जॉटिक पेट्स हमने आपको दिखाए प्रीवियस वीडियोस में। सो इस वीडियो में सैयद भाई क्या दिखाओगे आप हमको? अभी मेरे पास पैकमैन फ्रॉग है। पैकमैन फ्रॉग? अच्छा, पैकमैन फ्रॉग है। अच्छा, और मेरे पास उसमें तीन कलर है। जी जी, एक है अल्बाइनो, एक है लाइट ग्रीन और एक है डार्क ग्रीन। अच्छा, तो मैं वो तीनों आपको दिखा दूंगा। जी, और मेरे पास प्री ऑर्डर के लिए दूसरे भी एग्जॉटिक एनिमल्स भी बुक कर सकते हो। ओके, और जो अभी मेरे पास स्टॉक है पहले तो वो मैं बता दूं। जी जी, और इनके लिए इजी मेंटेनेंस और डे बाय डे इनको फीड करना पड़ता है, मतलब एवरी 3 डेज को एक टाइम फीड करना पड़ता है। इजी मेंटेनेंस है। ओके, और इसका इंक्लूजर भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप पैकमैन फ्रॉग देख सकते हैं। तो दिखा दें हमारे व्यूअर्स को। ठीक है मेरा। सो यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ पैकमैन फ्रॉग्स भाई ने निकाले हैं। तो सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करूं भाई? इसके ऊपर। हाँ, ये ग्रीन है, लाइट ग्रीन, और इसमें मैं डार्क ग्रीन बता देता हूँ। देखिए, डार्क ग्रीन है। अच्छा, पहले तो भाई ये जानना चाहूँगा नाम, ये जो पैकमैन पड़ा है, बचपन में गेम आता था पैकमैन, वो जो एक स्माइली जैसा रहता था कैरेक्टर। हाँ, वो सारा चीजें खाते जाता था। हाँ, तो उसको जितना भी दो कम पड़ता है वो खाते ही जाता था। तो क्या उसके ऊपर से पड़ा ये पैकमैन? हाँ, सेम एज इट इज है, पैकमैन फ्रॉग उसी को देख के नाम रखा गया है आई थिंक उसको। ओके। हाँ, तो ये क्या साइज के रहते हैं, कितने बड़े होते हैं ये लोग भाई? ये 5 से 6 इंच के हो जाते हैं बड़े। अच्छा, और ये बहुत क्यूट रहते हैं। जी जी जी, उनको दिखाई दे रहे आंखें भी, बड़ी नशीली आंखें इनकी। हाँ, और नशीली आंखों में हम भी खो जा रहे हैं इनको देख के। तो पैटर्न भी बॉडी के ऊपर अगर देखेंगे तो बहुत ही निराला पैटर्न है। तो इनको कैसा इंक्लोजर रखता है, क्या खाते हैं ये लोग, कैसे जीते हैं, कैसे रखना चाहिए, क्या बताना चाहोगे आप भाई? इनके लिए फीडिंग का जो है पहले वो बता देता हूँ मैं। जी जी, इनका फीडिंग ईजी है। जो मिलवर्म्स आते हैं, मिलवर्म्स दे सकते हैं इनको, जो छोटे मिलवर्म्स आते हैं। अच्छा, और कोई भी कीड़ा या कोई भी ये खा लेते हैं ये, और चिकन लीवर खिलाएंगे तो ये बहुत मज़े से खा लेंगे चिकन लीवर भी। ओके, और इनका जो इजी रहने का तरीका है। जी जी, वो मैं आपको बता दूंगा। जी जी, देखिए ये ऐसे, जी देखिए ऐसे कोकोपीट में रहते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? कोकोपीड। अच्छा, ये कोकोपीड है। ओके, और इसमें देखिए ऐसे अंदर जाके बैठ जाते हैं ये। तो इनको हाइड करना पसंद होता है? हाँ, हाइडिंग में भी रहते हैं ये। ये क्यों बोले तो रेन फॉरेस्ट के स्पीशीज है ये। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं गीला गीला है ये। जी जी जी, अब इसमें देख सकते हैं पानी गिर रहा है। तो जी, ये गीला गीला गीले गीले में रहना पसंद करते हैं। ओके, ये रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं तो ये थोड़ा गीले गीले में ही रहना पसंद करते हैं। अच्छा, ओके, तो ये अगर मान लीजिए इनको रखा जाता है तो ये चीज़ डालनी पड़ेगी हमको अगर अच्छे से रखना है? हाँ, ये कोकोपीट कंपलसरी चाहिए ही चाहिए इनको। ये भी आपके पास मिलता है? हाँ, ये भी मेरे पास मिल जाता है, या फिर जो भी प्लांट नर्सरी रहती है उधर आसपास में चाहिए तो उधर भी मिल जाएगा ये। okay. ये इजीली अवेलेबल हो जाता है किसी भी स्टेट में। अच्छा, कोकोपीट कॉमन है। ओके, और क्या हम लोग मल्टीपल पैकमैन रख सकते हैं साथ में? एक से ज्यादा पैकमैन रख सकते साथ में? हाँ, रख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। जब एक से ज्यादा रखेंगे तभी तो इनकी ब्रीडिंग चालू होगी। जी 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 जी, वैसे तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनके लिए टाइमिंग आता है, उस टाइमिंग के हिसाब से रखना पड़ता है इनको। ओके, वैसे तो हम लोग अलग अलग इंक्लूजर में ही रखते हैं इनको। अच्छा, ओके, तो प्राइस बता दीजिए भाई, क्या प्राइस है, क्या दाम है इनका भाई? ये सिंगल पीस का 4,000 रुपीज़ है। ओके, और अगर कोई क्वांटिटी में लेना चाहे तो क्वांटिटी में भी रीजनेबल प्राइस हो जाएगा इनका। अच्छा, हाँ, मैं मेन क्वांटिटी पे बिलीव करता हूँ। ओके, जो भी होलसेल करना चाहता है उनके लिए होलसेल चाहिए तो होलसेल रेट में भी मिल जाएगा। ओके, अगेन एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, लीगैलिटी क्या है इनकी भाई? ये तो 100% लीगल है। क्यों बोले तो ये जब अफ्रीका रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है तो इनको थोड़ी अफ्रीका से लेके नहीं आते हैं। जी जी, ये इधर लोकल ब्रीड किया जाता है इन सब की। ओके, तो ये लोकल कैप्टिविटी में ब्रीड होके है। ओके, तो 100% लीगल है। इनका भी आप रजिस्टर करा सकते हो, अगर जैसा मैं पिछले बॉल पाइथन के वीडियो में बता रहा था। जी जी, अगर जिसको भी लीगल पेपर चाहिए तो वो 5,000 रुपीज का आएगा। ओके, विथ लीगल पेपर चाहिए तो विथ लीगल पेपर मिल जाएगा। अच्छा, और इनको भी रखना
एकदम इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एनीबडी कैन कीप देम। इवन अगर कोई फर्स्ट टाइम कीपर है वो भी इनको बड़ी आसानी से रख सकता है। बल गाइडेंस तो आपसे मिलेगी अगर वो आपसे परचेस करता है तो, राइट? या कंफर्म मिलेगी। तो सैयद भाई बहुत बहुत यूनिक और अलग अलग एक्सोटिक पेट्स आपने दिखाए हमको, बहुत ही संतुष्ट हुआ मैं यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आया मुझको। पर ऐसा लग रहा है कि और वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि पूरे दिन हमने शूट की पर फिर भी ऐसा एक टायर्डनेस मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि इतने एक्सोटिक पेट्स आपने दिखाए, बहुत मज़ा आया भाई मुझे। थैंक यू भाई। हम चाहते हैं कि लोग इन सब के बारे में सीखे, इन सब के बारे में जाने, और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्रेज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे ये हॉबी डेवलप्ड है, वैसे ही हॉबी हमारे इंडिया में भी डेवलप्ड हो जाए। ऑब्वियसली भाई मैं 99% इसी के वजह से काम कर रहा हूँ ये। जी जी। आप जैसा वेस्टर्न कंट्री का बोल रहे थे कि सब कंट्री में भी आप देख सकते हैं उसका अलग सा पेट शॉप रहता है। जी जी। तो जैसा कि आप बोल रहे थे वेस्टर्न कंट्री में हॉबी जैसा क्रेज है, वैसा मैं इंडिया में भी लेके आना चाहता हूँ। जी जी। क्यों बोले तो सभी लोगों को पता नहीं है ये पैकमैन फ्रॉग क्या है। जैसे कि मेरे पास एक बार अफ्रीकन ज्वाइंट बुल फ्रॉग भी आया था। अच्छा। तो बहुत लोग देख के बोल रहे थे कि ये क्या है, ये मेंढक है, ये है। अच्छा। तो भाई ये बहुत लोग पालना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि किधर मिलता है और इनको कैसे पालते हैं। सही बात है। तो इस बारे में मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ ताकि हमारे इंडिया में भी इसका क्रेज बढ़े। जी जी। और बहुत लोग इसको रखे, 99% पूरे इंडिया में लोग रखे। जी। मैं 100% लगे सोचता हूँ लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि भाई इनसे डरते भी हैं। जी सही बात। तो इस वजह से मैं 99 प्रिफेयर कर रहा हूँ। जी जी। तो 99% लोग इसको रखे और क्रेज आगे बढ़ाए। जिसको भी अगर ये अच्छा लगे तो इसके बारे में अच्छे से अच्छा कमेंट करें, गूगल पे भी हो या फिर यूट्यूब पे भी हो। जी जी। तभी ये इसका क्रेज आगे बहुत अच्छे से जाएगा भाई। सही बात है। तो ये था 7th वीडियो कर्नाटका एक्वेरियम का, एक्सोटिक पेट्स का। हमने पहले आपको इनके फिश वैरायटीज दिखाए, देन टर्टल्स दिखाए दो टाइप्स के, देन हमने आपको बॉल पाइथन्स दिखाए, इग्वानास, बियर्डेड ड्रैगन्स दिखाए, बड़े साइज के जायंट अंगूरा रैबिट्स दिखाए, और आखिर में हम आपको दिखा रहे पैकमैन फ्रॉग्स। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी जितना भी जितने भी पेट्स मैंने पेट्स के रिलेटेड कंटेंट ये आपको शोकेस किया है कर्नाटका एक्वेरियम का, वो पसंद आया रहेगा आपको। जो भी इंक्वायरीज करनी है कोई भी पेट्स के बारे में, या जो भी अभी अवेलेबल नहीं है जो आएगा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो सब आप इंक्वायरीज सैयद भाई से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।